नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी बताना है। किसमें किसमें? सीजियम कार्बोनेट है, रूबिडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट। इनमें सबसे हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी बताना है। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो अब आयनिक कैरेक्टर देखने के लिए देखो, सब में क्या है, कार्बोनेट है, एनायन तो सेम है। अगर एनायन सेम है तो हम किससे कंपेयर कर सकते हैं आयनिक कैरेक्टर? केवल कैटायन से कैटायन से कंपेयर कर सकते हैं। और ये फजान रूल से देखा गया था, फजान रूल में क्या बताया गया था कि जिसमें अगर चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो क्या होना चाहिए कि फॉर आयनिक के लिए क्या होना चाहिए, आयनिक ज्यादा होने के लिए क्या होना, चार्ज डेंसिटी कम होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी लेस होना चाहिए, छोटा कम होना चाहिए चार्ज डेंसिटी आयनिक कैरेक्टर होने के लिए। तो सबसे ज्यादा साइज किसका ज्यादा है, यानी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज सबसे ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम, और उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका है, सीजियम कार्बोनेट का। तो इसलिए CH2CO3 क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट थर्मल स्टेबल हो जाएगा सारे कार्बोनेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर। इसमें बताना है कि मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है? सीजियम क्लोरेट, सीजियम पर क्लोरेट दिया हुआ है, सोडियम पर क्लोरेट दिया हुआ है, पोटेशियम पर क्लोरेट दिया हुआ है और लिथियम पर क्लोरेट दिया हुआ है। तो इसमें बताना है सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है। देखो, सोल्यूबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, सोल्यूबिलिटी दो चीजों पर, किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लैटिस एनर्जी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज्यादातर हमें आंसर तो कुछ कुछ में अलग डिफरेंट आता है, जैसे कि हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है, और लिथियम क्लोराइड करके कुछ एक दो एक्सेप्शंस आते हैं जिसमें मतलब डिफरेंट आता है थोड़ा सा, कि वो हाइड्रेशन एनर्जी से आंसर, मतलब दोनों को कंबाइन करके आंसर देना होता है। बट मैक्सिमम केस में जो सॉल्युबिलिटी का आंसर केवल हाइड्रेशन एनर्जी से ही दे सकते हैं, है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, मतलब साइज क्या होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जिसमें जितना ज़्यादा, तो अब यहाँ पे देखो, एनायन तो सब में क्या है, सेम है, पर क्लोरेट सब में सेम है। तो कैटायन से कंपेयर कर लेते, कैटायन का सब पे प्लस वन चार्ज है, तो चार्ज तो सेम ही है। तो साइज से कंपेयर, सबसे कम साइज किसका है, लिथियम का। तो लिथियम का साइज कम है, तो साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आएगा, चार्ज डेंसिटी आएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा आएगा, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा आएगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। केवल हाइड्रेशन एनर्जी से भी आंसर दे दोगे तो सॉल्युबिलिटी किसी ज़्यादा आएगी, लिथियम क्लोरेट का आएगा। और लैटिस एनर्जी से भी देख सकते हैं कि ये आयनिक कैरेक्टर पर, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी, सबसे कम में इसी की लैटिस एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी कम है तब भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा लिथियम क्लोरेट की। तो सबसे मोस्ट सॉल्युबल कौन सा हो जाएगा, लिथियम क्लोरेट क्या हो जाएगा, मोस्ट सॉल्युबल हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर। कह रहा है कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर ड्यू टू। तो हमें पता है कि ये सारे एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, दोनों दोनों ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं, और एक क्या बनाते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म होता ही है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है जिसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। जैसे
जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या होगा, Na से किस में जाएगा, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन ये एक लिक्विड अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया से कंबाइन होकर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जिसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, इलेक्ट्रॉन NH3 का करके लिक्विड, तो उसमें ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। Na प्लस का कोई कलर नहीं होता, NaNH2 सोडियम हाइड्राइड की वजह से, NaH2 की वजह से कलर नहीं होता है ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर कह रहा है हाईएस्ट लैटिस एनर्जी बताना है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट करके दिया KCl एंड MgO में बताना है किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, LiBr में बताना है किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम नाइट्राइड और NaCl में बताना है किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी दो दो फैक्टर पे डिपेंड है, दो तरह से होता है कि यदि किसका है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्राइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, नाइट्राइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया, इन सब के लिए लैटिस एनर्जी जो होता है वो डिपेंड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लैटिस एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, कि जितना ज़्यादा फोर्स फोर्स रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा और दोनों का मतलब कैटायन एनायन का मिला के जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा और साइज के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे कार्बोनेट हो गया, CO3 कार्बोनेट, नाइट्रेट नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, मतलब ये ऑक्सी एनायन वाले होते हैं, इनकी लैटिस एनर्जी किसके डिपेंड करता है, आयनिक कैरेक्टर पे, जितने ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। तो अब देखते हैं सब में ये क्या होता है, हैलाइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, यानी ये K1 Q2 डिवाइड बाय आर करते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी, जितना साइज कम होगा उसके। तब दोनों में देखते हैं के प्लस सी एल माइनस, यहाँ Mg प्लस और प्लस टू है, ओ टू माइनस, यहाँ पे चार्ज प्लस टू माइनस का है, तो इसमें किसका हो जाएगा, पहले वाले में MgO की लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे में देखेंगे तो LiF एंड LiBr, तो Li लिथियम और लिथियम तो सेम है, फ्लोराइड एंड सब में प्लस वन माइनस वन तो है ही है, चार्ज तो सेम है, साइज किसका ज़्यादा है, Br का साइज ज़्यादा है, तो F का साइज कम है, साइज कम है तो लैटिस एनर्जी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो इसमें किसका हो जाएगा, LiF का ज़्यादा हो जाएगा। और Mg3N2 इसमें देखो +3 +2 का चार्ज, ज़्यादा चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कम चार्ज आएगा, तो चार्ज चार्ज ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, 28 नंबर, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है लिथियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में। तो जनरली ये क्या है, क्लोराइड देखो, ये क्लोराइड दिया हुआ है, तो क्लोराइड की जो मेल्टिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पे, और ये क्लोराइड जो भी होंगे तो इनकी लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, के क्यू और क्यू टू डी बी आर स्क्वायर पे, मतलब जितना ज़्यादा कैटायन एनायन का चार्ज होगा और साइज जितना कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में एक्चुअली लोवेस्ट पूछा गया है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो जनरली तो LiCl का लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होना है, तो जो आना चाहिए एक्चुअल में सबसे ज़्यादा किसका आना चाहिए, LiCl का, देन पोटेशियम क्लोराइड का आना चाहिए, देन आना चाहिए RbCl का, देन आना चाहिए सीजियम क्लोराइड का, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। बट होता क्या है कि लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। लिथियम क्लोराइड का सबसे कम लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, LiCl का, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड का, ये एक्सेप्शन है तो याद रखना है, क्योंकि
बाकी रूल से देखेंगे तो लिथियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर, बताना है मोस्ट सॉल्युबल फ्लोराइड कौन सा है, कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड और बेरेलियम फ्लोराइड। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ये जनरली किस पे, मतलब किस पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, बताया था किस पे, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों से देखेंगे, और हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डायरेक्ट केवल हाइड्रेशन एनर्जी से भी देखेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, केवल कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सब में आ जाता है। तो बी इसमें देखो, फ्लोराइड फ्लोराइड तो सब सेम है, तो चार्ज डेंसिटी देखना है तो चार्ज भी सेम है, चार्ज भाई साइज अगर देखना है तो चार्ज तो सबका सेम ही है। अब साइज देख लेते तो सबसे कम साइज किसका है, बेरिलियम का है। साइज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा आएगा तो लेस सॉलिबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी केवल केवल फैक्टर से ही आंसर दे सकते, तो सॉलिबिलिटी किसकी ज़्यादा आएगी, BeF2 के। वैसे भी देख सकते हैं लैटिस एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी, BeF2 की ही लैटिस एनर्जी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो भी किस पर डिपेंड करेगा, Q1 Q2 R2 पे। और यहाँ पे चार्ज तो साइज सबसे कम इसी का है, तो यानी कि तब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो मोस्ट सॉल्युबल कौन सा हो जाएगा, BeF2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर, क्या बताना है लीस्ट सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड फॉर द एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्योंकि आंसर अलग भी आ जाता है कभी भी अगर ध्यान से नहीं दें तो सॉल्युबिलिटी बताना है, लीस्ट सॉल्युबल तो सबसे कम सॉल्युबल बताना है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये दोनों फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा इसमें। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और लैटिस एनर्जी भी देखेंगे तो किसका ज़्यादा आएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का ही लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा आएगा। तो अब लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, तो बाकी सब में देखो केवल इसी से कंपेयर हो जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी से ही केवल आंसर दे देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि देखो दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इधर से इधर आएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और लैटिस एनर्जी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट आने पर लैटिस एनर्जी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो तो सॉल्युबिलिटी, सॉरी सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, और इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो एक फैक्टर की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज, और इसकी वजह से लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। अब दोनों में से कौन सा फैक्टर कंसिडर होगा, एक से इंक्रीज हो रहा है एक से डिक्रीज हो रहा है, तो जो लैटिस एनर्जी होती है वो ज़्यादा डिक्रीज करती है, लैटिस एनर्जी मोर डिक्रीजेज इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड की लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा डिक्रीज करती है। और इस कंपेयर तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करेगा तो सोलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा सोलिबल कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, बैरियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सोलिबल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सोलिबल तो सबसे लीस्ट सोलिबल कौन सा हो जाएगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो लीस्ट सोलिबल कौन सा आंसर आ जाएगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाएगा लीस्ट सोलिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, बेरियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसमें ऑर्डर लिखना है थर्मल स्टेबिलिटी का। तो अभी बताया था कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट के लिए स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा,
थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा, आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें किसमें हो जाएगा, डाउन दो ग्रुप जाने दो, आयनिक कैरेक्टर यहाँ से देखो, आयनिक कैरेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फजान रूल से चार्ज डेंसिटी के अटैन का क्या होता है, अगर ज़्यादा होता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो चार्ज डेंसिटी कम चेक कर लो, सबसे कम चार्ज डेंसिटी किसके में होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा, और साइज ज़्यादा किसका होगा, बेरियम कार्बोनेट का। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट, देन कौन सा हो जाएगा नीचे से कौन सा था, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट, और देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये ऑर्डर आ जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 नंबर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर बताना है। तो एक चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो क्लोराइड आयन है सब में क्लोराइड सेम है, तो क्लोराइड से मतलब एनायन से हम कंपेयर नहीं करेंगे, जो डिफरेंट है उसी से कंपेयर करते हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, रुबिडियम और लिथियम, तो इनसे डिसाइड करेंगे, कैटायन से डिसाइड करेंगे। तो अब देखो जो फजान रूल था, फजान रूल में क्या बोला जाता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो अगर कैटायन के रिस्पेक्ट में बोला जाता है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी ऑफ कार्बोकैटायन मतलब जो भी कार्बोकैटायन है उसकी किसके होगा, डायरेक्टली कैटायन के मतलब जैसे बोलते कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऑफ कैटायन, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या दे देंगे, मतलब सबसे कम चार्ज डेंसिटी मतलब साइज जिसका ज़्यादा हो, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाई साइज। तो साइज देख लो यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसका है, रूबिडियम का साइज क्या है, सबसे ज्यादा है, तो साइज सबसे ज्यादा, तो उसमें क्या आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, रूबिडियम सीजी आरबीसीएल मैक्सिमम हो जाएगा आयनिक करेक्टर। और जो सबसे कम देखो चार्ज इसमें और इसमें साइज लगभग सिमिलर है, लेकिन इसकी साइज सबसे कम भी है और चार्ज भी ज़्यादा है, तो BeCl2 में क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, यानी कि लीस्ट आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, लीस्ट आयनिक यहाँ तक मैक्सिमम आयनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 नंबर, इसमें थोड़ा सा थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक्सेप्शन ज़्यादा हैं, ठीक है, क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी बताना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी सबसे इनकरेक्ट कौन है। तो जनरली हम जो सॉलिबिलिटी बात करते हैं, सॉलिबिलिटी डायरेक्ट अगर हम ये सोचें, हाइड्रेशन एनर्जी होता है उस पर डिपेंड करता है, बट अल्टीमेटली चार्ज डेंसिटी पे देख लेते हैं, अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है किसी कैटायन एनायन के, जिस भी कंपेयर कर रहे हो, मतलब एक तो सेम रहता है एनायन कैटायन का अगर मान लो डिफरेंट, तो सॉलिबिलिटी जो होती है चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा क्या वो सॉलिबिलिटी, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, कैल्शियम का ज़्यादा होना चाहिए। बट ये हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, इसमें लैटिस एनर्जी की वजह से क्या होता है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज किसके लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए, क्या बोले डाउन द ग्रुप, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं बी और सी ऑप्शन के लिए, तो बी और सी ऑप्शन में देखो कि फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या है कि लिथियम के जो कंपाउंड है, लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम, यहाँ तक तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज, बट उसके बाद पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम, यहाँ से सॉलिबिलिटी नीचे आने पे क्या होता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। मतलब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे लगता है छोटी चार्ज डेंसिटी,
नीचे आने पे चार्ज डेंसिटी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, चार्ज डेंसिटी कम होता जाएगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन लिथियम से लेकर सोडियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसमें किसकी वजह से होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से, कोवेलेंट कैरेक्टर के होने की वजह से क्या होता है, इसकी लिथियम की सॉलिबिलिटी क्या होती है, मतलब इसमें कोवेलेंट चार्ज डेंसिटी है ज़्यादा लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कोवेलेंट की वजह से क्या होता है, पोटे नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करता है। तो आंसर देखो, यहाँ से लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम तो नीचे, यहाँ तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तक आने पर सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो सो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम डिक्रीज कर रहा है, ये भी करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये क्या है, सेकेंडरी ग्रुप के हैं, तो इनमें तो डायरेक्ट केवल चार्ज डेंसिटी से देख लेंगे, तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का होना चाहिए, देन कैल्शियम का, देन BaSO4 जो भी है उसका होना चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं लोग, कह रहा है कि रेडियस, एटॉमिक रेडियस है जो सोडियम का, वो किससे ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम से। तो पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो सोडियम का साइज क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तो यानी ये करेक्ट है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी, मेटेलिक बॉन्ड ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन मेटेलिक बॉन्ड ऑफ सोडियम, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो जो जनरली होता है ना, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो मैग्नीशियम का क्या होता है, मतलब मैग्नीशियम का क्या एल्कलीज में अर्थ मेटल का जो होता है, एल्कलीज अर्थ मेटल का जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो एल्कली मेटल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, एल्कली मेटल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। कि उसका रीज़न क्या है कि इसमें एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो और इसमें चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आता है वो क्या आता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल में ज़्यादा आता है, इसलिए ज़्यादा हार्ड होते हैं, और इनका ये क्या होता है, इनमें कम होता है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट में, तो मेल्टिंग पॉइंट कह रहा है कि मैग्नीशियम के क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, कैल्शियम से। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ना, इसके लिए सेकेंड ग्रुप के लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए, तो डाउन द ग्रुप, ग्रुप में डाउन जाने पे क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। बट मतलब केवल क्या होता है कि डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या होता है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे डेटा, एग्जैक्ट डेटा जो देखोगे, जो एस ब्लॉक में दिया हुआ है, एस ब्लॉक पेज नंबर, NCERT पेज नंबर 299 पे, 299 पेज पे जो कॉलम बनाया है उसमें बोला गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका मैग्नीशियम का वो कितना होता है, 2924 केल्विन होता है, और जो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का होता है 1124, तो मतलब कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये याद ही रखना है। तो इसमें तुम्हारा ये वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जनरली क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो इस हिसाब से तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम का क्या होता है, कम होता है, कैल्शियम का ज़्यादा होता है, वो डेटा वाइज से देख सकते हैं। और कह रहा है मैग्नीशियम और कैल्शियम मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप, तो ये करेक्ट है कि इससे मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा एल्कली अर्थ मेटल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, देखो क्या बताना है, इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी बताना है, ठीक है। तो कह रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सल्फेट की जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो करेक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि सॉलिबिलिटी जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, सॉलिबिलिटी कैटायन के चार्ज, कैटायन के क्या होता है, चार्ज डेंसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है,
चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो मतलब बेरिलियम का जो सल्फेट होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, ये करेक्ट है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो ये डिक्रीज करता है। हालांकि ये भी कैटायन पे देखेंगे तो कैटायन के हिसाब से, चार्ज डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे तो बेरिलियम का आएगा, इससे ज़्यादा आना चाहिए बेरिलियम एनर्जी, बट उसमें जो ये आता है लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है कि लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है, इसकी वजह से उसमें क्या होता है, उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। और ट्रांजिशन स्टेट ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेज डाउन द, तो सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोनेट की, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है, आयनिक कैरेक्टर पे, आयनिक कैरेक्टर, और डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे जाने पर क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए बेसिक नेचर इंक्रीज ही करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट होता है। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये क्या इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 88 नंबर, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द नॉट ऑप्टेंड, कौन सा इसमें ऑप्टेंड नहीं हो सकता है, मतलब कौन सा रिएक्शन दिया हुआ, चार रिएक्शन दिया हुआ, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो दो तरीके, एक तो याद रखो सीधे सीधे कि सबके कार्बाइड हैं, कि इसके कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, या फिर यदि क्रॉस चेक करना है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। सबसे पहले नीचे का डी ऑप्शन देखते हैं कि Be2Ca, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -4, और यहाँ पे CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -4, तो यहाँ पे ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड देखो Mg4C3 दिया हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, ये Mg2C3 होगा, तो यहाँ पे क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा, और CH3CCH में निकालेंगे तो यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन हो तो इधर से 0, इधर से -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -3, तो टोटल क्या होगा, -4, और कितने कार्बन है, 3, 1, 2 और 3, तो -4/3, तो -4/3 यहाँ पे भी -4/3, क्रॉस चेक करने के लिए, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे अगर कैल्शियम कार्बाइड का निकालोगे तो C2 के 2 माइनस आएगा, 2 माइनस में तो कार्बन पे क्या रहा है, -1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, -1, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -1, यानी कि -2/2, कितने कार्बन है, 2, तो -1 आ रहा है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, यानी कि बी वाला आंसर भी क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं लास्ट वाला Al4C3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 आएगा, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -4 आएगा, यहाँ से 4 × 3 करोगे तो -12, अब -12/3 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो -4 आ गया। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1 -1 -1 -2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही बताना था।